छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन मछली नीति को मंजूरी देने के साथ ही नई नीति लाने को लेकर मछुआरा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के बैनर तले मछुआरा संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं दुर्ग पहुंचे मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार द्वारा मछुआरा समाज को लेकर नवीन मछली नीति की मंजूरी देने के साथ ही नई नीति लाने जा रही है, जिससे तब तक मछुआरा संघ ढीमर निषाद इत्यादि द्वारा मछली पालन व मछली की व्यवसाय से जुड़े कार्य को किया जाता रहा है, लेकिन अब सरकार द्वारा नई नीति लाए जाने से आक्रोशित मछुआरा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग के मछुआरा समाज ने अपना विरोध जताया। मंगलवार को मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त एमआर निषाद से दुर्ग सर्किट हाउस में मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और साथ ही मछुआरा संघ पर नई नीति थोपे जाने से नाराजगी जताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इस अवसर पर शामिल पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये नया मछुआ नीति बना रहे हैं वो हमारे ढीमर निषाद समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारी रोजी रोटी छिना जाएंगी। हम लोग रोड में आ जाएंगे, सभी मछुआरा जितने मछुआरा भाई बहन हैं और हम लोग सोसाइटी बनाकर चल रहे हैं, उसमें हमारे एक एक सोसाइटी में कम से कम 150-200 सदस्य हैं। उनका देखभाल, विधवा का देखभाल करना हमारे सोसाइटी जो मेन मुखिया रहते हैं, उन लोग सभी का पालन पोषण करते आ रहे हैं और आगे और करेंगे। अगर इस नीति को नहीं बदलेंगे, हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के ढीमर और निषाद समाज मिलकर इसका विरोध करेंगे। ठीक। सबसे पहले हमारे यहाँ जो हमारे मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री एमआर निषाद जी आए हुए हैं, उनको हम एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं कि हमारा मछुआरा समाज में बहुत ज़्यादा ही हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो मछुआ नीति बना हुआ है जो हमारे मछुआरा समाज के लिए ठीक नहीं है, जिसमें हमारे पेट रोजी का सवाल है, तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उसमें सीधा परसों वर्षों एक हरी भूमि में स्टेटमेंट आया हुआ था मछली विभाग से, उसमें बोले गए थे कि 10 महिलाओं का समूह जो बनेंगे उसको तालाब और सबको आवंटित किया जाएगा ऐसा करके। तो हम लोग चाहते हैं कि जो पूर्वा में जो जैसा भी था मछुआ नीति वही रहा है और हमारे सभी मछुआरे लोग के लिए ठीक ठाक वही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हम लोगों ने मछुआरों के हित के लिए जो यानी सिर्फ उनके रोजी रोटी को ध्यान में रखकर सिर्फ निषाद ढीमर केवट मल्लाह को ही प्राथमिकता क्रम में रखने का प्रावधान था और तालाबों को 10 साल के लिए लीज में दिया जाने का, मगर अभी वर्तमान सरकार द्वारा यह सब नीति को दुरुपयोग करके सिर्फ कोई भी यानी महिला समूह 10 अगर महिला को जोड़कर महिला समूह अगर बन जाता है तो उसका तालाब को आवंटित करने का और नए गौठान जो बने हैं वहाँ पर जो तालाब बन रहा है उसको भी सिर्फ महिलाओं को देने का ही बात कर रहा है, जिससे हम मछुआरों का जितने सोसाइटी 10,000 सोसाइटी है यहाँ दुर्ग जिला में उनके पेट रोजी मजदूरी में बहुत ही आघात पहुँच रहा है, जिसका हम विरोध करने और एक ज्ञापन के रूप में हमारे आए हुए एमआर निषाद जी अभी नीति बना रहा है, ये नीति ने बहुत गलत कर दिया है, इसलिए इस नीति का हम खंडित कर रहे हैं। इस तरफ से इस सोसाइटी को पहली प्राथमिकता की हमारा जो शपथ ग्रहण हुआ था वो शपथ ग्रहण नहीं किया था वो, और वो उसको हमको एक तरफ से नकार दिया, इसलिए इसके विरोध करने के लिए आज आए हैं। चाहते हैं पूर्वज से सोसाइटी को महत्व देते थे पंजीयन वाला को, उसको उनको दिया जाए, ठीक, क्योंकि उसके हित के लिए देगा तो हमारा रोजी रोजगार बढ़ते रहेगा। अगर सोमर बांट कर देगा तो हमारे ढीमर केवट कार बाट जितने हैं हम लोग रोड में आ जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।